हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। रतलाम पुलिस एसपी अमित सिंह के मार्गदर्शन में जावरा शहर पुलिस को 1 किलो 910 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त करने में भारी सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार जावरा शहर थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने पुलिस टीम का गठन किया था, जिसने शनिवार को गीता भवन मंदिर जावरा के पास से एक गाड़ी को आते देखा। जब उसे रोक कर तलाशी ली गई तो उसमें 1 किलो 10 ग्राम मादक पदार्थ जब्त। पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह सर के मार्गदर्शन में और नगर पुलिस अधीक्षक आईपीएस श्री आशुतोष बागी सर के नेतृत्व में जावरा शहर पुलिस द्वारा 1 किलो 900 ग्राम करीब चरस पकड़ी गई, जिसके अंतर्राष्ट्रीय 50 लाख रुपए है। और रात्रि में मुखर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हम लोग गीता भवन के पास में एम्बुश किया था। उसी दौरान मुखर के बताए अनुसार हुलिया का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया, उसको हम लोगों ने पकड़ा, वहाँ से पूछताछ की। उसके पास से 1 किलो 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई थी। तो उससे और पूछताछ की, उसने बताया था कि इसको वसीम नामक व्यक्ति जो मुगलपुरा का रहने वाला, उसने नागदा के एक व्यक्ति से इसको दिलवा दी। युवक को गिरफ्तार कर शहर थाना लाया गया। जमा की गई चरस की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।